के बालकनी में पालक कैसे ग्रो करने का क्या तरीका है वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ और उसका प्रोसीजर मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखिए इस वीडियो में कि पालक को जल्दी हम ग्रो कैसे करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, जैसा कि मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ, ये पालक का ये पूरा बीज है। इसमें से थोड़ा थोड़ा पालक का बीज लेकर के इसको लगाने का काम करता हूँ। जितना हमारा जो रिक्वायरमेंट हो इस हिसाब से बीज लेंगे। तो जैसा मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पालक का बीज मैंने निकाल के अपने हाथ में रखा हुआ है। पालक का बीज पहचानने का तरीका ये होता है कि पालक का बीज देखिए कटीला, ये कांटो जैसा होता है, इस तरह से दिखेगा आपको। तो ये क्या है, पालक का बीज है और ये बहुत ही हल्का होता है। और अभी आगे हम इसको क्या करेंगे, ये पालक का बीज को हम ये जो है मैंने ये छोटा सा ये थोड़ा सा पानी रखा हुआ है ये बर्तन में, और इसमें इसको हम इसको डालेंगे। देखिए जैसे इस पालक के बीज को हम 24 घंटे के बाद में निकालेंगे। 24 घंटे के बाद में निकालने के बाद में ये पूरा बीज जो है फूल जाएगा। लगाने से पहले भी हमको मिट्टी जो है वो कैसे तैयार करेंगे पालक लगाने के लिए, तो इसको हम चलिए आगे हम मिलते हैं 24 घंटे के बाद में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पालक का बीज को मैंने पानी में डाल दिया और इसको 24 घंटा के लिए छोड़ देंगे। हम वापस 24 घंटे के बाद आपसे मिलेंगे और आपको दिखाएंगे कि पालक का बीज कैसा हो गया है और इसको हम लगा करके दिखाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है मैंने मिट्टी तैयार कर रहा हूँ और मैं जो बास्केट पालक लगाऊंगा, और पालक कैसे लगाएंगे, कैसे फास्ट ग्रो होगा वो सब मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। तो मिट्टी को हम लोग नॉर्मल इस तरह से उसको हल्का गुड़ाई करके लूज कर लेना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मिट्टी जो है लूज हो गया है और इस तरह से ये बराबर कर लिया मैंने। अभी देखिए आगे क्या है, आगे मैंने कुछ मिट्टी यहाँ पर निकाला हुआ है और ये जो है मिट्टी मैंने ऊपर से डालने के लिए है। और यहाँ पर ये जो है आगे ये देखिए इधर यहाँ पर ये मैंने ऑर्गेनिक खाद है जो इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा इसमें मिला करके मिट्टी को बना लूंगा। अब देखिए मैंने ये क्या है कि मिट्टी को मैंने ये ऑर्गेनिक खाद डाल करके और इसको मैंने बना लिया। आगे देखिए वो करके रखा हुआ है और इस तरह से ये इसका जो बीज है पालक का बीज है जो इस तरह से हो गया है। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इस डब्बा में मैंने पालक को इस तरह से छान लेंगे। देखिए इस तरह से जो भी बीज है और इसको पानी जो पानी से इसको हम छान लेंगे। ये पालक है मैंने इसको इस तरह से मैंने पानी जो है इसका निकाल दिया हूँ और ये 24 घंटे के बाद मैंने निकाल रहा हूँ। और पालक इस तरह से हो गया है, इसमें मैं लगाऊंगा जिसके लिए मैंने मिट्टी को बराबर कर लिया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मिट्टी जो है पूरा बराबर है और इसको मैं अभी इसमें छिड़काव करूंगा। छिड़काव करने के लिए क्या है, नॉर्मली हम इस तरह से इस छिड़काव पर हल्का क्योंकि इसमें से कुछ बीज जो होगा थोड़ा सा ज्यादा हम लोग इसमें कुछ थोड़ा ज्यादा मैं बीज यूज कर रहा हूँ ताकि कुछ होगा कि ग्रो नहीं होगा और कुछ जो होगा ग्रो होगा, उस हिसाब से इसको मैनेज करके रखा हुआ है। आगे देखिए ये जो है दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप कि मैंने पालक का बीज जो है वो कर दिया और इसको पूरा चारों तरफ से जहां चाहे उसको बराबर कर दिया है। अभी मैं इसमें इसको मिट्टी से मैं ढकूंगा। तो इसमें क्या है कि हल्का हल्का मिट्टी हमको यूज करना है चारों तरफ से ढकने के लिए, ज्यादा हमको इसको मिट्टी नहीं कवर करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से मिट्टी जो है इसको चारों तरफ से इसको बीज को हमको कवर करना है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ये जो है लगा दिया है, फास्ट ग्रो होने का तरीका है। अभी जो हम इसको हल्का हल्का इसमें हल्का हल्का पानी इसमें छिड़काव करेंगे, ज्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे, हल्का हल्का इसको, और इसमें नमी जो है हमेशा मेंटेन करके रखना है, तभी जो है ये पालक का बीज जो है जल्दी जो है निकलेगा। और इस तरह से ये जो है पालक का बीज जो है पालक जो है मैंने लगा दिया। अब चलो आगे देखेंगे कि इसका ग्रोथ कैसा रहेगा। पालक जो है अभी हरा भरा है जो कि अभी निकालने लायक हो गया। थैंक यू।